हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में बना रहे हैं पुआ। तो पुआ बना रहे हैं, तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दी और उसमें तेल डाल दिया। तेल गर्म हो गया तो हमने जीरा डाल दिया, और जीरा के बाद अब है ना प्याज भी डाल दिया। तो हम प्याज को पका लेंगे। और हमने ना मूंगफली के दाने पहले से ही तल के रख लिए थे भून के। और दूसरी तरफ है चाय बन रही है, क्योंकि ये व्लॉग है संडे का, और संडे को घर में ही थे। मतलब ऐसा है कि उनका मन हो आ जाती है ड्यूटी तो चले जाते हैं, नहीं होती है तो नहीं जाते हैं। ऐसा है संडे में। तो अब हमने डाल दी मटर, और मटर को भी थोड़ा सा पका लेंगे। तो अभी घर पे ही थे, और हमने ना सुबह पहले उनका टिफ़िन बना के रख दिया था। हमने सोचा शायद वो जाएंगे, तो मेथी आलू की सब्ज़ी और पराठा बना के हमने रख दिया था। तो अब मटर थोड़े पक गए तो हमने नमक डाल दिया, और अब थोड़ी चीनी, 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, क्योंकि पोहा है ना थोड़े नमकीन मीठा सा और तीखा सा अच्छे लगते हैं ऐसे बनाने से। और हमने अब डाल देंगे हल्दी, और डाल देंगे लाल मिर्च, और ये थोड़ी सी धनिया डाल दी। थोड़ी सी ही डाली धनिया, ज़्यादा नहीं। पोहा में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है धनिया पाउडर की। मन हो तो डाल दो, नहीं मन हो तो मत डालो, ज़रूरी भी नहीं होती है वैसे। तो और हमने पोहा पहले से भिगो के रख लिया था, तो अब डाल देंगे पोहा, और अब इनको मिला लेंगे, जिससे है ना इनका कच्चापन ना रहे। तुम थोड़ी देर इनको भी मिला के अच्छे से पका ले कर लेंगे। और तो हमने मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पराठे सुबह के लिए बना के रख दिए थे, लेकिन वो गए नहीं। तो मैंने सोचा अब चलो नाश्ते में नहीं जा रहे हैं तो नाश्ते में पुआ बना लेते हैं, इसीलिए हम पुआ बना रहे हैं। तो देखो हमारे पुआ हो चुके हैं तैयार। ये देखो अब डाल देंगे इसमें धनिया हरी, और हरी धनिया को भी मिला देंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कर देना, क्योंकि है ना सब्सक्राइब के और लाइक कमेंट के पैसे भी नहीं लगते हैं, आप कर दिया करो। तो देखो हमारे पुआ बन चुके हैं। तो ये देखो तैयार हो गए पुआ। तो हम सबको अब दे देते हैं नाश्ते में। तो पहले हम बिना मूंगफली के दाने के निकाल लेंगे, क्योंकि मम्मी मूंगफली के दाने नहीं खा पाती हैं। तो पहले ऐसे ही निकाल लेंगे, और फिर हम मूंगफली के दाने डाल देंगे पुआ में और मिला देंगे। तो अब हम सबके लिए लेके जा रहे हैं, नन्नू के लिए और उनके पापा के लिए भी। और अभी हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने नहाया नहीं है, हम नहा लेंगे तभी खाएंगे। तो अब देखो दोपहर हो चुकी है, और हमने सब्जी बनाने जा रहे हैं, और सब्जी बना रहे हैं आज गोभी की, गोभी के डंठल, जो डंठल होते हैं ना पीछे के, वो बनाने जा रहे हैं। क्योंकि रखी थी गोभी है, ले ली थी हमने, तो पर गोभी के पराठे बना लिए, तो डंठल थे उनके तो हमने रख लिए थे। तो हम उनकी सब्जी बना रहे। तो ये तेल गरम हो चुका है, और हमने डाल दिया जीरा, और दूसरी तरफ बना रहे हैं कॉफ़ी। तो और हम डाल देंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हमने जो प्याज पीस के रखा था वो डाल देंगे, और वो हमारी कॉफ़ी बन चुकी है। और तो हम कॉफ़ी को दे आते हैं, और पहले हम गैस को कम कर देंगे मीड स्लो में, जिससे हमारा प्याज जल ना जाए। तो आप सब भी पीजिए कॉफ़ी। तो हम 2 टमाटर लेके आ गए हैं, 2 टमाटर काट के और इनको पीस लेंगे। तो
देखो हमारा प्याज भी भून चुका है, पक गया है। और अब हम डाल देंगे टमाटर। और यहाँ पे नन्नू कुछ बोलने आया था तो हम उनको उनसे बात करने लगे थे, तो अब डाल देंगे टमाटर। और अब इसमें पानी डाल के अच्छे से साफ करके वो भी डाल देंगे, क्योंकि टमाटर जलन वलन लगा रह गया था। तो ये देखो अब हम तब तक पकाएंगे जब तक कि तेल ना छोड़ दे। देखो हमारा तेल छोड़ दिया है टमाटर और प्याज ने, तो हम डाल देंगे हरी वो सॉरी हरी नहीं धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि नहीं तो मसाले जल ना जाए, जैसे है ना थोड़ा सा मसाला वो पानी डाल के और मसालों को भून ले पका लेंगे। और अब डाल देंगे गरम मसाला। तो ये हमारा देखो मसाला भी पक गया है। तो अब हम जो है जो डंठल काट के हमने 2-2 इंच के टुकड़े करके रख लिए थे ये देखो, तो अब इनको है ना धो के हमने और इसके अंदर डाल देंगे। और इनको मसाले में थोड़ी देर पका लेंगे, चलाते रहेंगे थोड़ी देर। और फिर इसमें है ना पानी डाल देंगे। और ये थोड़ी सी डाल दिए कसूरी मेथी। और अब डाल देंगे पानी। तो ये देखो पानी डाल दिया है हमने, हमें कम कम लगा तो हमने और डाल दिया, क्योंकि पानी है ना फिर कम हो जाएगा जब वो पक जाएंगे डंठल जो है ना गोभी की, तो पानी कम रह जाएगा। तो हमने अब ढक दिया और ढक के पका लेंगे थोड़ी देर। तो अब देखो पानी कम हो गया ना, तो हमारी बन चुकी है ये सब्जी। और दूसरी तरफ हम पराठे सेक रहे, क्योंकि वो जा रहे थे तो बोले हमारा जो टिफ़िन रखा था ना उसमें वो पराठे निकाल के सेक दो, तो मेथी आलू की सब्ज़ी से पराठे खा लेंगे। और हमने डाल दिया धनिया और पराठे देने चले गए। तो यहाँ पर है ना नन्नू आके देख खड़ा था, तो देखने लगा कि मम्मी क्या बना रही थी सब्जी में। तो ये देखो नन्नू देख रहा है। और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम देखो बना रहे हैं रोटी, सब्जी बन चुकी है तो रोटी बना रहे हैं। और ये देखो नन्नू शैतानी कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बोलने आया है कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे पराठा सेक दो। क्या खाना है? पराठा। अच्छा, तो ये देखो बोला पराठे सेम तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं रोटी तो नन्नू के लिए पराठे सेक देते हैं और सबके लिए रोटी सेक दी है। और मेरे बाल इसलिए खुले हैं क्योंकि मैंने बाल हाथ धोए हैं, तो ऊपर क्लेचर बांध दिया क्योंकि नहीं तो ऐसे खुले रखेंगे तो एक आधी बाल है ना खाने में भी आ जाएगा, इसलिए हमने पीछे वाले सारे बाल बांध लिया जुड़ा। तो चलो इनको खाना दे के आते हैं। तो ये देखो हम खाना देने जा रहे हैं, मेथी आलू की सब्जी और गोभी की डंठल की सब्जी है। तो चलो आइए और सभी लोग खाइए, और हम भी जा रहे हैं देने खाने को। तो चलो लेके चलते हैं।